कि प्रोजेक्टाइल अटेन्स एस्केप वेलोसिटी व्हेन बॉडी एनर्जीज आर इक्वल, इसे प्रूव करना है। या ऐसा बोल सकते हैं कि अगर किसी भी पार्टिकल के पास एस्केप वेलोसिटी है, एस्केप वेलोसिटी क्या होती है, अंडर रूट ऑफ 2gm/r है, तो ऐसे केस में अगर इतनी वेलोसिटी से बॉडी को प्रोजेक्ट किया जाए तो उसकी काइनेटिक और पोटेंशियल की एनर्जी का मैग्नीट्यूड सेम है। एक काम करते हैं, हम एस्केप वेलोसिटी के कॉरस्पॉन्डिंग उस पार्टिकल को काइनेटिक एनर्जी कितनी मिली वो कैलकुलेट करते हैं। काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ इंटू एम इंटू वी ई का स्क्वायर। तो वी ई की वैल्यू को यहाँ से यहाँ पुट करेंगे, स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करके आंसर आएगा। और ये मैग्नीट्यूड किसका है, पोटेंशियल एनर्जी का। तो मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक इक्वल हो जाएगा अगर आपकी वेलोसिटी क्या है, एस्केप है। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट क्वेश्चन हमने किया हुआ इंटरस्टीलर स्पेस वाला। इंटरस्टीलर स्पेस क्या होता है, इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी के ऊपर अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, एक रॉकेट को फायर किया जा रहा है विद द स्पीड ऑफ 2 × √gr अर्थ सरफेस पे, और वो अपवर्ड मूव करती है, तो इंटरस्टीलर स्पेस यानी कि इनफाइनाइट डिस्टेंस पे उसकी वेलोसिटी क्या होगी, ये क्वेश्चन है। तो मैंने बताया था कि ऐसे केस में सिर्फ और सिर्फ एनर्जी कंजर्वेशन लगती है। सरफेस ऑफ अर्थ पे पोटेंशियल का फॉर्मूला -gmm/R है, और काइनेटिक जो हमने दी वो ½mv² है, और इनफाइनाइट डिस्टेंस पे जाके पोटेंशियल क्या हो जाएगी, जीरो, और इंटरस्टीलर स्पेस में काइनेटिक क्या हो जाएगी, ½mv²। तो यहां से ½mv² कैपिटल जीएम को क्या पुट कर सकते हैं, स्मॉल जी आर स्क्वायर, आर से आर कैंसिल, एमएमएम कैंसिल, तो यहां से वेलोसिटी की रेशियो वैल्यू आ जाएगी। तो इंटरस्टीलर स्पेस इनफाइनाइट डिस्टेंस पे जो वेलोसिटी होगी वो इसके इक्वल होगी। ये रिजल्ट ऑब्जेक्टिव के अंदर मार्क करने को आएगा। तो मेथड समझ में आ रहा है कि सरफेस ऑफ अर्थ से इनफाइनाइट डिस्टेंस तक आपको क्या लगानी है, एनर्जी कंजर्वेशन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो प्लीज। क्वेश्चन है, रेडियस ऑफ अर्थ ऑर्बिट अराउंड द सन इज आर एंड टाइम पीरियड कैपिटल टी। तो मास ऑफ सन हमने किया हुआ है ये कि कोई भी प्लैनेट अगर घूमेगा सन के आसपास तो सेंट्रीपिटल एम आर ओमेगा स्क्वायर है इज इक्वल टू gmm/r², मास ऑफ अर्थ कैंसिल हो जाएगा और ओमेगा को क्या पुट करेंगे, 2π/T, यहां से सॉल्व करके मास ऑफ सन क्रॉस मल्टीप्लाई करके आ जाएगा। ये ऑलरेडी किया हुआ है। तो इसके अंदर ये क्वेश्चन बहुत फेमस है, मेंस नीट एनसीईआरटी में बहुत बार आता है ये क्वेश्चन। इसको देखें, क्वेश्चन है कि अगर ग्रेविटेशनल फोर्स दो बॉडीज की किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, r^n के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। वैसे होती क्या है, दो बॉडीज की ग्रेविटेशनल फोर्स जो होती है वो gmm/ क्या होती है, r का स्क्वायर होती है। तो F = gmm/r², लेकिन अगर ये ऐसा ना होते हुए gmm/r^2 क्या हो जाए, n हो जाए, तो उस केस में ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होगी, ये क्वेश्चन है। ठीक है यहां तक? तो आप क्या करेंगे, ऑर्बिटल वेलोसिटी का एक्सप्रेशन कैसे कैलकुलेट किया था वो डेरिवेशन हमें याद है, हमें फिर से करनी पड़ेगी। कैसे, अगर एक मान लो कोई भी बॉडी घूम रही है अर्थ सन के आसपास, तो मान लो स्मॉल आर डिस्टेंस पे, यानी कि कैपिटल आर नहीं, स्मॉल आर, बहुत दूर घूम रही है, तो उसके पास क्या है, सेंट्रीपिटल, और सेंट्रीपिटल कौन प्रोवाइड करती है, अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला gmm/r² नहीं, gmm/r^n, क्योंकि उसने क्वेश्चन में बोला क्या r^2² नहीं लेना, r^n लेना है। इक्वेट करेंगे, मास ऑफ प्लैनेट कैंसिल हो जाएगा, ये जो वेलोसिटी होगी उसका नाम क्या है, एस्केप सॉरी ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो ये ऑर्बिटल वेलोसिटी है। तो आपको यह बताना है कि ऑर्बिटल वेलोसिटी आर के साथ कैसे रिलेटेड है। तो जो वी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r^√(n-1) है। अंडर रूट का मतलब क्या है, हाफ है, तो r^(n-1)/2 है। ये ऑप्शन मार्क करना है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट यही है, आपको फिर से करना पड़ेगा, क्योंकि हमने अपने फॉर्मूला r² के साथ याद किए हुए हैं। यहां r क्या है, n है, सॉल्व करके v आएगा, v और r का रिलेशन आपने ऑब्जेक्टिव में मार्क करना है। ठीक?
ठीक है यहां तक। इसी क्वेश्चन के अंदर वो ये भी पूछ सकता है कि बताओ टाइम पीरियड ऑफ अ प्लैनेट आर के साथ कैसे रिलेटेड है। तो टाइम पीरियड के लिए काम करेंगे, या तो ऑर्बिटल वेलोसिटी हमारे पास है, प्लैनेट का टाइम पीरियड क्या होता है, डिस्टेंस 2πr/वेलोसिटी, वैसे करें, या फिर और आसान तरीका है, फिर से एक बार ग्रेविटेशनल पुल क्या है, gmm/r^n, और ये क्या प्रोवाइड करती है, सेंट्रीपिटल, सेंट्रीपिटल का फॉर्मूला क्या है, gmr⍵2, क्योंकि हमें टाइम पीरियड चाहिए, हम अपना रिजल्ट ओमेगा की फॉर्म में लिख लेते हैं, तो क्या आएगा mr⍵2, प्लैनेट का मास क्या हो गया कैंसिल, ओमेगा को क्या लिख लिया 2π/T^2, और ये r इससे मल्टीप्लाई होके r^2 क्या हो जाएगा n+1, तो यहां से इसको स्क्वेयरिंग करेंगे 4π²r^t², क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टर्म आएगी, तो टाइम पीरियड के लिए अंडर रूट लेना पड़ेगा, तो r^(n+1)/2 हो जाएगा। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक, तो ये ऑप्शन मार्क करना है टाइम पीरियड का आपने, कोई डाउट इसमें, पॉइंट समझ में आ रहा है कि कैसे करना है, अगर वेलोसिटी पूछी तो mv²r से वेलोसिटी आ जाएगी, और अगर टाइम पीरियड पूछा तो mr⍵2 से टाइम पीरियड आ जाएगा। क्या ये पॉइंट सबको समझ में आ रहा है यहां तक, ठीक है, तो इसके बेस पे प्रॉब्लम्स आएंगी तो वो ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम में हम इसको सॉल्व करेंगे। इसके अंदर टाइम पीरियड ऑफ अ रेवोल्यूशन ऑफ अ प्लैनेट ए अराउंड द सन इज 8 times दैट ऑफ बी। दो प्लैनेट हैं ए और बी, ए अपना चक्कर कितनी देर में काटता है टी ए, बी अपना चक्कर कितनी देर में काटता है टी बी, और टी ए 8 गुना ज्यादा है टी बी से। आपको दोनों के रेडियस की रेशियो निकालनी है, आर की वैल्यू निकालनी है। टाइम पीरियड और रेडियस में केपलर का थर्ड लॉ क्या किया था, t²/r³, तो t²/r³, t²/r³ इन्हें डिवाइड कर लिया, आपको टी ए 8 गुना ज्यादा गिवन है टीबी से, टीबी टीबी कैंसिल, आर ए आरबी का क्या गया रिलेशन आ जाएगा। पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहां तक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सैटेलाइट विथ काइनेटिक एनर्जी ई इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ इन अ सर्कुलर ऑर्बिट। तो काइनेटिक एनर्जी किसकी गिवन है, सैटेलाइट की, सैटेलाइट गोल घूम रही है, उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है, ई है। द मिनिमम एडिशनल काइनेटिक एनर्जी रिक्वायर्ड ताकि वो क्या कर जाए, एस्केप कर जाए, कहां पर, आउटर स्पेस में। तो कितनी काइनेटिक एनर्जी एक्स्ट्रा देनी पड़ेगी ताकि वो एस्केप कर जाए, ये निकालनी है। पहले सैटेलाइट से बात करो, सैटेलाइट तो कितनी वेलोसिटी से घूम रही है, वो क्या बोलेगी, ऑर्बिटल, ऑर्बिटल, क्योंकि सैटेलाइट घूम रही है विद ऑर्बिटल, तो ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट ऑफ gm/r, क्योंकि सैटेलाइट अगर सरफेस ऑफ अर्थ के काफी क्लोज है तो कैपिटल आर, और अगर ठीक डिस्टेंस पे है, दूर है, तो स्मॉल आर। तो ऑर्बिटल का फॉर्मूला सैटेलाइट के लिए क्या लगाएंगे, अंडर रूट ऑफ gm/r। तो सैटेलाइट के पास घूमते घूमते काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 12m into ऑर्बिटल का स्क्वायर,
ऑर्बिटल वेलोसिटी को यहां से यहां पुट कर दिया, इसका स्क्वायर कर दिया, तो ये टर्म आ गई। लेकिन क्वेश्चन में इसकी वैल्यू क्या गिवन है ऑलरेडी, ई, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या गिवन है, ई। क्या ये स्टेप क्लियर है यहां तक? हमें क्या करना है, उसे एस्केप करवाना है। एस्केप करवाने के लिए क्या वेलोसिटी देनी पड़ेगी, वी, एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट ऑफ 2gm बाय स्मॉल r, यहां पर कैपिटल r नहीं। वैसे एस्केप वेलोसिटी में अंडर रूट ऑफ 2gm बाय कैपिटल r होता है, लेकिन वो तब होता है जब आपने सरफेस ऑफ अर्थ से उठा के बॉडी को फेंकना है। सैटेलाइट तो ऑलरेडी ऊपर है, स्मॉलर डिस्टेंस पे, हमने वहां से फेंकना है, तो यहां पर कैपिटल आर की जगह स्मॉल आर आएगा। तो कितनी काइनेटिक एनर्जी देनी पड़ेगी उसको एस्केप करवाने के लिए, हाफ एम इंटू एस्केप वेलोसिटी का स्क्वायर। एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू हमें पता है, सॉल्व करके अंडर रूट लेके ये आंसर आ गया। अब अगर आप ध्यान से देखो ऊपर वाले रिजल्ट से, जी एम एम बाय आर की वैल्यू, जी एम एम बाय आर की वैल्यू क्या आएगी, 2e। तो ये हमारे पास इसकी जगह क्या पुट कर सकते हैं, 2e। तो इसका मतलब सैटेलाइट के पास ऑलरेडी एनर्जी ई थी, और एस्केप करवाने के लिए कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, कितनी चाहिए थी, 2e। एडिशनल कितनी देनी पड़ेगी, ई तो पहले ही थी, 2e में से ई गया, कितना रह गया, ई। तो आपको एक्स्ट्रा एनर्जी ई देनी पड़ेगी ताकि वो एस्केप कर जाए। समझ में आ रहा है यहां तक, ई थी, 2e चाहिए थी, एडिशनल चाहिए ई। नेक्स्ट, क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन है कि इनिशियली छोटा m और बड़ा m आर एट इनफाइनाइट डिस्टेंस अपार्ट, और आराम आराम कर रहे हैं, रेस्ट पे पड़े हुए हैं। तो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे काइनेटिक एनर्जी कितनी थी पार्टिकल की, जीरो, रेस्ट पे। पोटेंशियल कितनी थी, जीरो, क्योंकि डिस्टेंस इनफाइनाइट है, तो कोई एनर्जी नहीं थी। फिर क्या किया आपको बताना है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, रिलेटिव वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट ड्यू टू ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। तो आपने हल्का हल्का उनको फोर्स लगाई तो पास आए, और एक ऐसा डिस्टेंस पे आ गए जब उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन शुरू हो गई, तो उन्हें मूव करना शुरू कर दिया। तो जब वो मूव कर रहे हैं एक दूसरे के पास आ रहे हैं, क्यों पास आ रहे हैं, क्योंकि बड़े एम ने छोटे एम को अट्रैक्ट करना है और छोटे एम ने बड़े एम को अट्रैक्ट करना है। किसी भी इंस्टेंट पर उनके बीच में दूरी क्या हो गई, किसी भी इंस्टेंट पर डी। तो आपको बताना है कि इस इंस्टेंट पर रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या है इनके, ये क्वेश्चन है। अब इसमें कॉन्सेप्ट क्या लगेगा, पहला कॉन्सेप्ट ये लगेगा कि छोटे m और बड़े m को फोर्सेस इक्वल एंड ऑपोजिट लगेगी, क्योंकि न्यूटन का जो ग्रेविटेशन का फॉर्मूला इक्वल एंड ऑपोजिट है, पहला रूल। तो फोर्स बराबर लगेगी, तो ये जो पार्टिकल मूव करेगा वो मान लो a1 एक्सेलरेशन के साथ मूव करेगा और ये a2 के साथ करेगा, फोर्स बराबर है, तो m1 a1 is equal to m2 a2। और एक्सेलरेशन क्या है, किसी भी इंस्टेंट पर वेलोसिटी बाय टाइम, टाइम टाइम कट गया, तो m1 v1 is equal to m2 v2। तो पहला स्टेप लगेगा m into v, मान लो किसी भी इंस्टेंट पर इसकी वेलोसिटी छोटा v है और उसकी वेलोसिटी बड़ी v है, तो mv m1 v1 is m2 v2। फर्स्ट इक्वेशन क्लियर है, क्योंकि फोर्स बराबर है, तो फोर्स बराबर है m1 a1 m2 a2 के इक्वल है, एक्सेलरेशन को वेलोसिटी के फॉर्म में किया, तो m into v is equal to capital m into capital v हो गया। अब दूसरा कांसेप्ट इसमें एक हमेशा लगेगा, जब भी इनफाइनाइट डिस्टेंस से फाइनाइट डिस्टेंस पे आएंगे एनर्जी कंजर्वेशन लगेगा लगेगा, या फाइनाइट डिस्टेंस से इंटरस्टीलर स्पेस में जाएंगे तो भी एनर्जी कंजर्वेशन लगती लगती है। तो जब ये इनफाइनाइट डिस्टेंस अपार्ट थे तो बोलो पोटेंशियल एनर्जी क्या थी, जीरो, काइनेटिक भी क्या थी, जीरो। तो ये इनिशियल एनर्जी है जो कि क्या है, जीरो। और जब ये डी डिस्टेंस अपार्ट हो गए तो उस टाइम पर छोटे एम के पास काइनेटिक क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर, बड़े मास के पास काइनेटिक है हाफ एम वी स्क्वायर, और दोनों पार्टिकल्स पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, माइनस जी एम एम बाय डी, लेकिन इनका सम क्या आना चाहिए, जीरो।
क्योंकि ये इसकी इनिशियल एनर्जी है पार्टिकल्स की और ये इनकी फाइनल एनर्जी है व्हेन दे आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ डी। क्या स्टेप क्लियर है यहां तक? इनिशियल जीरो थी ना, ये बेसिकली मैंने क्या किया, जब ये इनफाइनाइट डिस्टेंस अपार्ट थे ये टोटल इनिशियल एनर्जी है और ये फाइनल एनर्जी है एट अ डिस्टेंस ऑफ डी। इनिशियल इसलिए जीरो क्योंकि इनफाइनाइट डिस्टेंस पे पोटेंशियल तो जीरो होती है और वो रेस्ट पे पड़े हुए थे, काइनेटिक भी जीरो है और किसी भी इंस्टेंट पर सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक क्या आना चाहिए, जीरो, ताकि इनिशियल फाइनल के इक्वल हो जाए। तो ये टर्म राइट साइड पे चली गई। अब आपके पास दो इक्वेशन में दो वेरिएबल्स हैं, एक छोटा वी और एक बड़ा वी, बाकी सब आपको मालूम है। इन्हें साइमल्टेनियसली सॉल्व करो कैसे, छोटे वी को पुट कर लो चाहे कैपिटल एम वी बाय एम और यहां पर पुट कर लो, सॉल्व करके छोटा और बड़ा वी निकालना पड़ेगा कैलकुलेशन से। मान लो स्मॉल वी और कैपिटल वी आ गया, आपको क्या निकालना है, रिलेटिव वेलोसिटी। जब दो बॉडी एक दूसरे के पास आती हैं तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है, स्मॉल वी प्लस कैपिटल वी, इन्हें ऐड कर देंगे आंसर आएगा, इन दोनों को ऐड करके आंसर आएगा। ऐसा ऑब्जेक्टिव अगर आया तो कैसे करना है आपको हिंट दे रहा हूं। ये सारे क्वेश्चन कॉम्पिटिशन में आए हुए क्वेश्चन हैं, प्रीवियस ईयर मेन्स नीट में सब आपको दिखेंगे, तो आपके कुछ क्वेश्चन तो आज सॉल्व हो ही जाएंगे, बाकी आप प्रीवियस ईयर पेपर जब लेंगे वहां से सॉल्व हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? तो एनसीईआरटी का कॉन्सेप्ट नहीं है ये, कुछ भी लग भी नहीं रहा वैसे तो, एनसीईआरटी की शीट फॉर्मुला बेस तो थी। ये देखो बहुत बहुत बार आने वाला क्वेश्चन मेन नीट में, तो मतलब ऐसे कम से कम 4-5 बार ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है। देखो जरा पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस ए अंडर द एक्शन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी गिवन है। एक पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है और उसकी पोटेंशियल एनर्जी इसके इक्वल है। अब पार्टिकल अगर स्मॉलर डिस्टेंस में घूम रहा है तो एनर्जी इतनी, अगर आर बढ़ाता है एनर्जी चेंज हो जाएगी। या आपको ऐसी फील दे रहा है जैसे केमिस्ट्री के अंदर इलेक्ट्रॉन अलग अलग शेल में घूमते हैं, कोई छोटा सर्कल कोई बड़ा सर्कल कोई बड़ा सर्कल, पोटेंशियल एनर्जी हर शेल के डिफरेंट होती है। इट डिपेंड्स अपॉन रेडियस आर। तो आपने अगर फॉर्मुला किया एटॉमिक स्ट्रक्चर में तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू भी आर के ऊपर डिपेंडेंट होती है। तो ऐसे कुछ हालांकि इलेक्ट्रॉन नहीं है, जैसे एग्जांपल दे रहा हूं मैं। तो कह रहे टोटल एनर्जी क्या है, टोटल एनर्जी होती क्या है, कोई पार्टिकुलर सर्कल में घूम रहा है उसके बाद दो एनर्जीज होती है, पोटेंशियल एंड काइनेटिक। पोटेंशियल दे दी, क्या निकालनी है, काइनेटिक। फिर दोनों को क्या कर देना है, एड, कौन सी एनर्जी आ जाएगी, टोटल। ठीक है, आधा आंसर तो दे ही रहे। जब भी पोटेंशियल एनर्जी गिवन है और वहां से काइनेटिक निकालनी है तो सबसे पहले फोर्स निकलेगी। वर्क एनर्जी पार में एक टॉपिक किया था, एफ इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी आर, रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी इज एफ। तो इस यू को सबसे पहले आपने यहां पे पुट करना है, माइनस डी बाई डी आर ऑफ यू। यहां से माइनस माइनस प्लस, के और टू कॉन्स्टेंट बाहर आ गया, R ऊपर चला गया, तो R raise to power क्या हो गया, माइनस टू हो गया, R की पावर माइनस टू। इसे डिफ्रेंशिएट किया, माइनस टू इंटू आर की पावर माइनस थ्री, तो यहां से माइनस टू से टू कैंसल, ये टर्म आ गई। तो सबसे पहला काम पोटेंशियल एनर्जी की हेल्प से आपने क्या निकालनी है, फोर्स। ये फोर्स हमेशा नेगेटिव आएगी, नेगेटिव आएगी। नेगेटिव फोर्स का मतलब होता है अट्रैक्टिव फोर्स, याद रखना। पॉजिटिव फोर्स मतलब रिपल्सिव फोर्स होती है दो पार्टिकल्स में, और नेगेटिव फोर्स अट्रैक्टिव फोर्स होती है। मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूं, अगर दो चार्जेस हैं प्लस क्यू एंड प्लस क्यू, दोनों आपस में रिपेल कर रहे हैं, तो इनकी फोर्स जो होगी वो क्यू वन क्यू टू के प्रोडक्ट के इक्वल होती है। तो क्यू वन क्यू टू दोनों पॉजिटिव है तो फोर्स भी पॉजिटिव आएगी। तो क्यू वन क्यू टू एक दूसरे के दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं तो वो रिपेल करेंगे, अगर वो रिपेल करेंगे फोर्स पॉजिटिव है।
लेकिन अगर इनमें से एक चार्ज पॉजिटिव और एक चार्ज नेगेटिव है, तो पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, तो Q1 Q2 का प्रोडक्ट नेगेटिव आएगा। तो नेगेटिव फोर्स अट्रैक्टिव है, पॉजिटिव फोर्स रिपल्सिव है। यहां पर फोर्स अट्रैक्टिव है, होनी भी अट्रैक्टिव चाहिए थी, क्योंकि ये जो पार्टिकल घूम रहे इसलिए घूम रहे हैं क्योंकि सेंटर में एक और मास पड़ा है जो इसे क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है टुवर्ड सेंटर, और क्या प्रोवाइड कर रहा है, सेंट्रिपिटल। अगर रिपल्सिव होगा तो कैसे घूमेगा, तो बार भगा देगा उसे, अट्रैक्टिव होगा तभी घुमाएगा। तो नेगेटिव साइन को हटा देना होता है आपने न्यूमेरिकल में, वो अट्रैक्शन शो करता है। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स क्या है, K/R³, और यही क्या प्रोवाइड करेगा, सेंट्रिपिटल mv² / r। तो पहले U से क्या निकलेगा, F, F में से नेगेटिव हटेगा ड्यू टू अट्रैक्शन, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स क्या होगा, mv² / r, जो फोर्स निकलेगी वो इसके इक्वल कर देना है, आर से आर कैंसल तो आर स्क्वायर, यहां से mv² आ गया। हमने क्या निकाली है, काइनेटिक एनर्जी, जिसकी वैल्यू क्या है, हाफ mv² mv² की वैल्यू ये पूरी की पूरी उठा के यहां पुट करके आपके पास क्या आ गई, काइनेटिक एनर्जी। अब टोटल एनर्जी क्या है, सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक, पोटेंशियल ऑलरेडी थी, काइनेटिक चांस की बात है सेम आ गई, तो टोटल एनर्जी क्या आ गई, जीरो। पर हर बार जीरो नहीं आएगी, डिपेंड करता है आपको वो यू क्या देगा। कल को आर क्यूब कर दे, आर की पावर 4 कर दे, वो उसकी मर्जी है, U वो चेंज करता जाएगा, बाकी कॉन्सेप्ट रिमेन्स सेम। तो पॉइंट समझ में आ रहा है, अगर कर नहीं रखा होगा आप कर नहीं पाएंगे, तो आपने देख लिया, अब आप दिमाग लगा सकते हैं जब पेपर में आएगा आपने फर्स्ट स्टेप क्या करना है। ठीक है, आज हमने किया कि वो r की पावर nth पावर जो फोर्स है gmm/r² की जगह gmm/r⁻ तो टाइम पीरियड किसके प्रोपोर्शनल हो, ये ऑलरेडी हमने कर लिया। ये क्वेश्चन देखो, जिसका मास स्मॉल m है, मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस r, कोई पॉइंट मास m है या कोई भी बॉडी है, वो m मास की बॉडी सर्कल में घूम रही है जिसका रेडियस r है। अब वो कह रहा है कि प्लैनेट का मास जिसके आसपास घूम रही है उसका मास कैपिटल m है, तो कैपिटल m के आसपास प्लैनेट घूम रहा है स्मॉल m, एट सम इंस्टेंट इट स्प्लिट्स इंटू टू इक्वल मासेस, तो जो बॉडी घूम रही है m वो दो टुकड़ों में टूट गई। पहला टुकड़ा जिसका इक्वल मासेस मास स्मॉल m/2, दूसरा भी स्मॉल m/2, पहला टुकड़ा r/2 रेडियस पे चला गया, उसने r/2 पे घूमना शुरू कर दिया, और दूसरा टुकड़ा स्मॉल m/2 3r/2 रेडियस पे चला गया और उसने 3r/2 पे घूमना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, पहले अच्छा वाला r पे घूम रहा था एक पार्टिकल, पर अब वो दो टुकड़ों में टूट गया, दोनों का रेडियस डिफरेंट है। आपको क्या निकालना है, डिफरेंस ऑफ फाइनल एंड इनिशियल टोटल एनर्जी। जब मास नहीं टूटा था तो
तो कैपिटल एम के आसपास स्मॉल एम घूम रहा था, तो टोटल एनर्जी क्या थी, माइनस जी एम एम बाय टू आर, ये फॉर्मूला था टोटल एनर्जी का, माइनस जी एम एम बाय टू आर। कोई डाउट इसमें? अब मान लो स्मॉल एम टूट गया, प्लैनेट थोड़े ना टूटा, कैपिटल एम थोड़ा ना टूटा, स्मॉल एम टूटा, स्मॉल एम दो टुकड़ों में टूट गया, पहला टुकड़ा एम बाय टू, दूसरा टुकड़ा एम बाय टू, पहले टुकड़े का रेडियस आर बाय टू, दूसरे टुकड़े का रेडियस थ्री आर बाय टू, तो अलग अलग रेडियस में घूमना शुरू कर दिया। तो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला वही है, माइनस जी एम वन एम टू बाय टू आर, टोटल एनर्जी पहले पार्टिकल की इतनी, टोटल एनर्जी दूसरे पार्टिकल की इतनी, इन्हें ऐड करेंगे तो ये फाइनल एनर्जी आ जाएगी। ठीक, फिर आपने क्या करना है, आपको डिफरेंस ऑफ टोटल एनर्जी निकालना है। डिफरेंस ऑफ टोटल एनर्जी में फाइनल एनर्जी में से इनिशियल एनर्जी को क्या कर देना है, माइनस आंसर। अब देखो उसने क्वेश्चन कैसे बना दिया, सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है टोटल एनर्जी का, पर देखो उसने कैसे स्टेटमेंट बनाई और कैसे सॉल्व किया। समझ में आ रहा है कि एनसीईआरटी से एक स्टेप थोड़ा सा ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है जो प्रैक्टिस से आएगा। कोई डाउट इसमें? ठीक है, यहां तक। नेक्स्ट, नहीं ये नहीं करना, इसको इसको छोड़ दो, ये नहीं करना आपने। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन में, इफ ओमेगा ऑफ अर्थ इंक्रीजेस, देखो क्वेश्चन आया हुआ, अगर मैं अर्थ की रोटेशन का ओमेगा इंक्रीज कर दूं तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लैटिट्यूड पे कैसे चेंज होगी, लैटिट्यूड का कैसे चेंज होगी। तो ऑप्शन में था पोल्स पे कैसे होगी, इक्वेटर पे कैसे होगी, सब डिस्कस करना है। तो सबसे पहले पोल्स के ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, लैम्डा क्या होता है पोल्स पे, 90, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा जी होती है पोल्स पे, अर्थ घूमे या ना घूमे, अर्थ की रोटेशन का पोल्स के ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे कोई असर होता ही नहीं, तो जी विल रिमेन अनचेंज्ड। लेकिन इक्वेटर के ऊपर लैम्डा क्या होता है, जीरो। अगर ओमेगा बढ़ेगा तो ये टर्म बढ़ेगी, ये तो 9.8 फिक्स्ड है, तो अगर ये टर्म बढ़ेगी तो डिफरेंस कम होगा, डिफरेंस कम होगा तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होगी, तो इक्वेटर पे कम होगी, पोल्स पे सेम रहेगी। समझ में आ रहा है कि कैसे आंसर देना है इसमें? नेक्स्ट मिलता जुलता क्वेश्चन जो आज किया था फोर्स वाला, थोड़ा चेंज कर दिया, देखो जरा। टू पार्टिकल
ऑफ सेम मास सर्कल में घूम रहे हैं, क्योंकि एक के ऊपर जो फोर्स एक्ट कर रही है वो इसके ऊपर डिपेंडेंट है। तो ये जो फोर्स है वो आर डिपेंडेंट है, आर चेंज होगा तो पार्टिकल के ऊपर फोर्स भी चेंज होगी। फर्स्ट पार्टिकल इज एट अ डिस्टेंस ऑफ आर वन इज इक्वल टू वन, और दूसरा पार्टिकल इज एट अ डिस्टेंस ऑफ आर टू इज इक्वल टू फोर। पहले पार्टिकल और दूसरे पार्टिकल की पोजीशन आपको उसने दे दी, ठीक है, पोजीशन दे दी। तो पहले और दूसरे पार्टिकल का आर वन आर टू दे दिया। बेस्ट एस्टिमेट ऑफ काइनेटिक एनर्जी रेशियो फॉर फर्स्ट एंड सेकेंड पार्टिकल क्या होगा? आपको काइनेटिक एनर्जी की रेशियो बतानी है क्या होगी दोनों पार्टिकल की। तो एक काम करते हैं, पहले हम यहां से काइनेटिक एनर्जी निकाल लेते हैं, फिर रेशियो निकाल लेते हैं, और एक में आर वन की वैल्यू वन पुट करते हैं और एक में आर टू की वैल्यू टू फोर पुट करते हैं। फोर्स से काइनेटिक एनर्जी कैसे निकलती है बताया था। सबसे पहला रूल, माइनस कॉमन निकालो। माइनस कॉमन अट्रैक्शन शो करता है, तो अंदर की जो फोर्स बची वो क्या बनेगी, सेंट्रीपेटल फोर्स एम वी स्क्वायर बाय आर। यहां से आर को इधर मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ गया, एम वी स्क्वायर आ गया। एम वी स्क्वायर आ गया तो काइनेटिक एनर्जी क्या बनेगी, हाफ एम वी स्क्वायर। एम वी स्क्वायर की ये पूरी की पूरी वैल्यू यहां पुट करके क्या आ गया, हाफ एम वी स्क्वायर। तो ये काइनेटिक एनर्जी आ गई। अब आपको रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, तो एक बार आर की जगह पुट करो वन और एक बार आर की जगह क्या पुट करो, तो एक बार वन एक बार टू सॉल्व करके आंसर आएगा। मेथड समझ में आ रहा है? तो फिर से वही सेम क्वेश्चन आ रहा है, सेंट्रीपेटल फोर्स और सेंट कैसे माइनस कॉमन निकाल के आंसर सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन हमने किया हुआ है ग्राफ का। नेक्स्ट, इफ अर्थ हैज नो रोटेशनल मोशन, नो रोटेशनल मोशन का मतलब ओमेगा की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। वेट ऑफ द पर्सन वो कह रहे हैं डब्ल्यू है। देखो अगर रोटेशन नहीं होगी, ओमेगा नहीं होगा, ओमेगा नहीं होगा तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी ही होगी। तो एक्चुअल वेट बंदे का एम जी इज इक्वल टू डब्ल्यू गिवन है। क्या निकालना है आपको, ओमेगा निकालना है। जब वेट ऑफ द पर्सन क्या हो जाए, थ्री डब्ल्यू बाय फोर हो जाए इक्वेटर के ऊपर। तो इक्वेटर के ऊपर जी का ये फॉर्मूला, लैमडा की वैल्यू जीरो, इक्वेटर का फॉर्मूला जी का, मास से दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई, एक्चुअल वेट क्या है डब्ल्यू, इक्वेटर के ऊपर हम क्या चाहते हैं वेट क्या हो जाए, थ्री डब्ल्यू बाय फोर। तो यहां पर या तो W की जगह पुट कर दो एम जी एम जी, या M की जगह पुट कर दो W बाई जी, एक ही बात है। तो M की जगह W बाई जी, W W W कैंसल, सॉल्व करके क्या आ गया, ओमेगा आंसर। बाकी तो जो न्यूमेरिकल सॉल्व ही करना है। मेथड समझ में आ रहा है कि क्वेश्चन कैसे करना है इसमें, कि किस क्वेश्चन में क्या टेक्निक यूज करनी है समझ में आ रहा है। ये क्वेश्चन हमने लास्ट टाइम कर लिया था, ठीक है, ये क्वेश्चन भी हमने कर लिया था, ये भी कर लिया था, हमने ये करना है।
देखो क्वेश्चन है, टू स्टार्स ऑफ मासेस गिवन ईच, दो स्टार्स हैं, दोनों का मास आपको दिया हुआ है, एंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 × 10^11 meters, तो दोनों स्टार्स में दूरी भी गिवन है, रोटेट इन अ प्लेन अबाउट देयर कॉमन सेंटर ऑफ मास ओ, तो ये पहला स्टार, ये दूसरा स्टार, और ये इनका सेंटर ऑफ मास जो एग्जैक्टली इसके सेंटर पे होगा, कि मास बराबर है तो सेंटर ऑफ मास सेंटर पे होगा, तो इनके बीच में अगर टोटल डिस्टेंस 2 × 10^11 है तो सेंटर ऑफ मास से दोनों स्टार्स का डिस्टेंस क्या होगा, 2 × 10^11 / 2 होगा, आधा आधा हो गया। अब वो क्या कह रहा है कि इसके अंदर हमने एक पार्टिकल को या कोई भी एक एक्स वाई जेड बॉडी को इसके सेंटर से उठा के फेंकना है, कहां फेंकना है, इतनी दूर फेंकना है कि इन स्टार्स के ग्रेविटेशनल पुल को वो ओवरकम कर जाए, लेकिन आप से अगर पूछें कि ये वेलोसिटी क्या होगी, आप बोलोगे जी इनफाइनाइट वेलोसिटी, मतलब ही नहीं बाहर आने का, जितनी मर्जी वेलोसिटी दे दो फिर तो वापस ही नहीं आएंगे, नहीं मैंने कहा इतनी बड़ी वेलोसिटी भी मत दो, मिनिमम वेलोसिटी बताओ कितनी दें कि दोनों स्टार के ग्रेविटेशनल पुल को बस वो सिर्फ क्रॉस करें, बस बाहर आ जाएं, बस बाहर आने का मतलब उनकी वेलोसिटी निकलती क्या हो जाए, जीरो, बस वहां तक छोड़ के आना है, उनको उठा के फेंकना नहीं है, इंटरस्टीलर स्पेस में फेंकना नहीं है, वी वेलोसिटी से मूव नहीं करवाना, बस वहां तक छोड़ के आना है। तो इसलिए उसने क्या बोला, कितनी मिनिमम वेलोसिटी, मिनिमम स्पीड दी जाए ताकि वो ग्रेविटेशनल पुल को ओवरकम कर जाए, राइट, क्लियर है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है, तो वेलोसिटी मिनिमम है, मिनिमम का मतलब ग्रेविटेशनल पुल से बाहर निकलते ही वेलोसिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो, तो बाहर निकलते ही वेलोसिटी को क्या लेना है आपने, जीरो, हालांकि वो तेज भी मूव कर सकती है, पर क्योंकि आपने यहां पे प्रोजेक्ट करते हुए वेलोसिटी मिनिमम देनी है तो ग्रेविटेशनल पुल के बाहर छोड़ के आना है तो वहां पे वेलोसिटी जीरो। अब वी निकालना है आपको, रूल नंबर वन, जब भी इंटरस्टीलर स्पेस यानी कि इनफाइनाइट डिस्टेंस से फाइनाइट डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट को लेके आओ या फाइनाइट से इनफाइनाइट पे, एनर्जी कंजर्वेशन तो लगनी ही लगनी है, तो रूल नंबर वन, जब आप उसको ग्रेविटेशनल पुल के बाहर छोड़ाएंगे यानी कि इन्फिनिटी पे, तो बताओ पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी उस ऑब्जेक्ट की, जीरो, आर इन्फिनिटी पे जीरो, काइनेटिक भी क्या हो जाएगी वहां पर, जीरो, क्योंकि आपने छोड़ के ही आना है, उसको मूव तो करवाना नहीं वहां पे, तो फाइनल एनर्जी अल्टीमेटली क्या हो जाएगी, जीरो, बात होगी खत्म। लेकिन जब ये यहां से चला था, ये ऑब्जेक्ट यहां से चला था, तो इसके पास इस स्टार की वजह से, इस स्टार की वजह से यहां पे पोटेंशियल एनर्जी क्या थी, माइनस जी एम एम बाय स्मॉल आर, और एक और स्टार था उसने भी इसके ऊपर पोटेंशियल एनर्जी लगाई, कितनी, माइनस जी एम एम बाय स्मॉल आर, और एक एनर्जी काइनेटिक आपने दे दी हाफ एम वी स्क्वायर, तो टोटल एनर्जी कितनी दी आपने, पोटेंशियल, पोटेंशियल एंड काइनेटिक, ये एनर्जी आपने दी, और टॉप मोस्ट बहुत दूर जाके एनर्जी क्या हो जाने वाली है, जीरो, सॉल्व करके वी निकाल लेना और वैल्यूज पुट करके आंसर आए, मतलब सारी कहानी वहीं पे आ जाती है, एनर्जी कंजर्वेशन, मतलब घुमा घुमा के वही क्वेश्चन पूछे जा रहा है, एनर्जी कंजर्वेशन लगवाया जा रहा है, पॉइंट समझ में आ रहा है, हालांकि मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, नीट के लिए थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन है, बट इसको आसान लैंग्वेज में भी पूछा जा सकता है, तो कॉन्सेप्ट हर स्टूडेंट को पता होना चाहिए, ठीक है यहां तक। नेक्स्ट, रॉड वाली प्रॉब्लम हमने भी की थी, रॉड वाली प्रॉब्लम में, इस प्रॉब्लम के लिए चाहे तो जो नीट के स्टूडेंट्स हैं वो नहीं भी करेंगे, सिंपल लैंग्वेज में करेंगे, हमने किया हुआ रॉड वाला क्वेश्चन सफिशियंट है, वैसे प्रॉब्लम मेंस में आई हुई प्रॉब्लम है, ट्राई कर लें एक बार प्लीज।
a straight rod of length L extends from x is equal to a to x is equal to L plus a. तो ये साफ पता लग रहा है कि रॉड x एक्सिस पे पड़ी हुई है. तो अगर ये x is equal to 0 का पॉइंट है तो रॉड x is equal to a से स्टार्ट होती है और x is equal to L plus a पे खत्म होती है. तो रॉड की कुल मिला के लेंथ कितनी है, इसमें से इसे माइनस करेंगे तो लेंथ क्या आएगी, L. अब वो क्वेश्चन में कह रहे हैं कि अगर एक पॉइंट मास है या एक मास m है, ये रहा, जो कहां पर पड़ा हुआ है, x is equal to 0 पे पड़ा हुआ है, और मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ, इसको लैम्डा भी लिख सकते हैं, किया था ना, इसको म्यू भी लिख सकते हैं, कुछ भी, कोई सिंबल है जैसे म्यू लिखा हुआ है कोई बात नहीं, अब म्यू ले लो. तो मास पर यूनिट लेंथ आपको ये गिवन है. तो क्या गिवन है, मास पर यूनिट लेंथ. तो आपको बताना है कि ये रॉड इट पॉइंट मास पे फोर्स क्या लगा रही है. हमने रॉड वाली प्रॉब्लम की थी, मैंने बताया था कि स्फेयर और पॉइंट मास में तो न्यूटन का डायरेक्ट फॉर्मूला लगता है ग्रेविटेशन का, शेल में भी लगता है, पर रॉड और पॉइंट मास में नहीं लगता. तो रॉड का क्या लेना होता है, स्मॉल एलिमेंट. ये स्मॉल एलिमेंट का मास क्या है, डीएम. तो डीएम कितनी दूरी पे लिया, कुछ भी आर्बिटरी दूरी पे ले लो एक्स. तो डीएम और एम में डिस्टेंस है एक्स, तो यहां पर स्मॉल फोर्स क्या आएगी दोनों के बीच में, जी एम वन एम टू बाई एक्स स्क्वायर. अब इस डीएम की स्मॉल लेंथ क्या है, डीएक्स. तो इसका मास निकलेगा क्या, इसका मास डीएम होगा. मास पर यूनिट लेंथ को लेंथ डीएक्स से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई. मास पर यूनिट लेंथ को डीएक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉरस्पॉन्डिंग मास आ जाएगा. ऐसे करते हैं तो आप इस डीएम की जगह क्या पुट करें, म्यू इंटू डीएक्स. पर म्यू मास पर यूनिट लेंथ आपको क्वेश्चन में गिवन है, इसको उठाएं और म्यू की जगह वैल्यू को पुट करें और इसे फिर फाइनली इंटीग्रेट कर दें. और इंटीग्रेशन में लिमिट क्या पुट करेंगे, पहला एलिमेंट ये है एक्स इक्वल टू ए और आखिरी एलिमेंट क्या है, एक्स इक्वल टू एल प्लस ए. तो लिमिट क्या लगेगी, ए से लेके एल प्लस ए. इंटीग्रेट करें, ए और बी कॉन्स्टेंट, इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म इंटीग्रेट करें, आंसर आएगा. इंटीग्रेशन की मेरे को इतनी टेंशन नहीं है क्योंकि मैथ्स में प्लस टू में इंटीग्रेशन ये नॉर्मल है, उनके लिए पहला क्वेश्चन यही होगा शायद, इतनी वास्ट इंटीग्रेशन है. तो आपको फिजिक्स में सिर्फ यही सीखना होता है कि कैसे चल रहा है, मैथ्स वाले आपको ये सिखा देंगे क्या करना है. और नीट में ऐसा क्वेश्चन आता नहीं, तो नीट वाले तो क्लोज ही कर दे इस क्वेश्चन को, बात ही खत्म. ठीक है, एनसीईआरटी में भी नहीं आता. ठीक, नेक्स्ट हमने किया हुआ ये वाला क्वेश्चन लास्ट टाइम, ये वाला क्वेश्चन रिपीट है, एनर्जी से फोर्स निकालना, ये रिपीट है. ठीक, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं. उन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में पहला पॉइंट है, अगर बॉडी को प्रोजेक्ट किया जाए विद अ वेलोसिटी वी ग्रेटर देन एस्केप वेलोसिटी, तो ऑब्वियसली बॉडी तो एस्केप करी जाएगी, वापस तो आएगी नहीं, तो वो एस्केप करेगी, इंटरस्टीलर स्पेस में चली जाएगी और वहां पे उसकी वेलोसिटी इसके इक्वल होगी. मैं इस फॉर्मूले के बिल्कुल हक में नहीं हूं क्योंकि मैं ये फॉर्मूला याद नहीं कर पाऊंगा एक साल के लिए. तो मैं इंटरस्टीलर स्पेस की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करता हूं, एनर्जी कंजर्वेशन. मतलब आपको याद करने की जरूरत ही नहीं है, जहां से आपने बॉडी को घेरा और जहां वो चली गई, एनर्जी को कंजर्व कर देना, सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक आर डिस्टेंस पे और इन्फिनिटी पे सेम कर देना, अपने अभी आ जाएगा. इसको याद करने का कोई मतलब नहीं, इस पॉइंट का क्रॉस करना चाहते हो क्रॉस ही कर दो, चाहिए ही नहीं. नेक्स्ट पॉइंट है, ये आपने पॉइंट नहीं सुना होगा, ये मैं आपको बता देता हूं कि मून के ऊपर या कुछ प्लैनेट्स के ऊपर एटमोसफेयर नहीं है, अर्थ के ऊपर एटमोसफेयर है. तो आपको क्या लगता है, मून के ऊपर एटमोसफेयर है नहीं या था ही नहीं कभी, या अगर हम वहां पर कोई गैस को छोड़ें तो क्या वो गैस वहां टिक पाएगी. अगर ऐसा होता तो यहां से भर भर के गैस वहां छोड़ आते हैं, सारी नाइट्रोजन ऑक्सीजन जो भी हमारे वहां पर, तो एयर एयर हो जाएगी, सांस भी ले सकते हैं, नहीं हो पाएगा, कभी नहीं होगा. उसका रीजन है, होता क्या है, गैस के अंदर होते हैं मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स हमेशा मूवमेंट में होते हैं, मूव कर रहे होते हैं. अब मान लो गैस अर्थ के आसपास के एयर है, एयर एयर की बात करते हैं, एयर के मॉलिक्यूल्स हैं और वो रेंडम मोशन में है इस टाइम. जो अर्थ को, अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल है, अर्थ को अगर आपने एस्केप करना है, अर्थ को छोड़ के चले जाना है आपने यूनिवर्स में, तो आपको कम से कम वेलोसिटी चाहिए 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड.
अब मॉलिक्यूल की वेलोसिटी लाखों करोड़ों मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटीज लाखों करोड़ों हैं, अलग अलग होती हैं सबकी। और अगर हम इनका एवरेज लें, एवरेज, उस एवरेज वेलोसिटी को बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ये आपको केमिस्ट्री के टीचर भी सिखाएंगे और एक महीने के बाद मैं इसकी डेरिवेशन करवाऊंगा ये कहाँ से आया। तो केमिस्ट्री वाले मुझे पता नहीं कैसे कराते हैं, मैं तो प्रॉपर आपको पूरा डराइव, फिजिक्स वालों की कैटेगरी में डेरिवेशन है तो ये मैं प्रूव करूंगा। तो इस एवरेज वेलोसिटी को रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी बोलते हैं मॉलिक्यूल्स की, जो कि टेम्परेचर के ऊपर डिपेंडेंट होता है। टेम्परेचर ज्यादा है ये वेलोसिटी ज्यादा हो जाती है, कम है तो ये कम हो जाती है। अब अर्थ के ऊपर जो एयर या जो भी गैसेस हैं, इनकी जो वेलोसिटीज है मॉलिक्यूल की, एवरेज वेलोसिटी है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी 11.2 से कम है, इसलिए ये एस्केप नहीं कर पाते। पर प्रॉब्लम यह है कि जब आप मून पे जाते हो तो इनकी मॉलिक्यूल की स्पीड इतनी ज्यादा हो जाती है कि मून की एस्केप वेलोसिटी से भी ज्यादा हो जाती है, ये एस्केप ही कर जाते हैं। तो मून इन्हें अट्रैक्ट कर नहीं पाता, उसके पास अट्रैक्शन कम है, मतलब उसकी एस्केप वेलोसिटी कम है और मॉलिक्यूल्स की रैंडम मोशन की वेलोसिटी एस्केप से भी ज्यादा है, तो एस्केप कर जाती है। इसलिए आप लेके भी जाएंगे कोई एटमोसफेयर वहां पर, वो एयर या वो टिकेगी नहीं, वो भागी जाएगी, मून खींच नहीं पाएगा। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो है एस्केप एनर्जी। ये बड़ी बात नहीं है, ये सिंपल है। वो कह रहे हैं जी आपने एस्केप करवाना है तो एनर्जी रिक्वायर्ड क्या है, काइनेटिक हाफ एम वी ई स्क्वायर। तो हाफ एम वी ई स्क्वायर की जो वैल्यू है वो एस्केप एनर्जी है। और अगर आप एस्केप वेलोसिटी देते हो किसी ऑब्जेक्ट को, तो आज हमने क्वेश्चन भी किया था, तो उसकी काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का मैग्नीट्यूड क्या हो जाता है, सेम, ये वही बता रहे हैं। तो ये भी स्टेप कुछ नहीं है, ये ऑब्जेक्टिव के अंदर ऑलरेडी डन है, तो ये भी पॉइंट पढ़ने की जरूरत नहीं, इसको क्रॉस कर दो, चाहिए ही नहीं है। अब ये आपके नॉलेज के लिए है, इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आते, पर बुक्स में रहता है और बहुत लोग ऐसे ही ब्लैक होल के बारे में सोचते हैं कि पता नहीं क्या होता होगा। तो हालांकि बहुत ज़्यादा साइंटिस्ट को पता नहीं है ब्लैक होल्स को, तो बहुत एक स्टडी की जा रही है, बट एस्केप वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, अगर सोचो वेलोसिटी ऑफ लाइट के बराबर है, सोचो अर्थ की एस्केप वेलोसिटी अगर 3×10^8 है, तो इस दुनिया में कम से कम 3×10^8 स्पीड एक्वायर नहीं की जा सकती, बात पक्की है। तो कोई भी बॉडी अर्थ को एस्केप नहीं कर पाएगी कभी भी, क्योंकि इतनी वेलोसिटी एक्वायर नहीं कर पाएगी। तो अगर किसी बॉडी के लिए एस्केप वेलोसिटी लाइट की स्पीड है, तो अगर लाइट की स्पीड से ज़्यादा मूव करती है कोई बॉडी तो ही एस्केप कर पाएगी, और आज तक तो कोई ट्रेवल कर नहीं पाया, तो कोई एस्केप नहीं कर पाएगा। और उनमें से एक बॉडी है ब्लैक होल। ब्लैक होल इतना बड़ा मास है, वो तो समेटता जाता है ना, जो आ गया बस वो बाहर नहीं जाने देना उसने, तो उसकी एस्केप वेलोसिटी 3×10^8 से भी ज़्यादा है। तो सोचो एक बार जो ब्लैक होल के अंदर घुस गया वो बाहर कभी नहीं आएगा, क्योंकि उसकी स्पीड 3×10^8 तो एक्वायर होगी नहीं, तो वहीं बैठा रहेगा। तो ये इसकी एस्केप वेलोसिटी है, इसको ब्लैक होल बोलते हैं, ठीक। तो ब्लैक होल के लिए एस्केप वेलोसिटी अंडर रूट ऑफ 2gm/r की वैल्यू क्या है, 3×10^8, और क्रॉस मल्टीप्लाई करके रेडियस अप्रोक्सीमेट निकालना है ब्लैक होल का, तो इक्वेट करके रेडियस की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड। हालांकि इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आता ब्लैक होल्स पे, पर नॉलेज के लिए बता दिया जहां लिखा था, ठीक है। ऐसी नेक्स्ट है बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी क्या है, इट इज द नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी ऑफ अ सैटेलाइट। तो अगर टोटल एनर्जी ऑफ अ सैटेलाइट माइनस gmm/2r+h है, किसी भी सैटेलाइट की एनर्जी h हाइट पर टोटल क्या होती है, माइनस gmm/2r+h, तो बाइंडिंग एनर्जी नेगेटिव हटा दो, पॉजिटिव एनर्जी है। होती क्या बाइंडिंग एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी है कि अगर आप ये चाहते हैं कि आपका ऑब्जेक्ट या आपकी सैटेलाइट कहाँ पे चली जाए, आपकी सैटेलाइट जो है वो ग्रेविटेशनल पुल को ओवरकम करती हुई बाहर चली जाए, बस ऑलमोस्ट बाहर चली जाए, वी वेलोसिटी से मूव ना करे, तो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे अगर आप चाहते हो सैटेलाइट चली जाए और वहां रुक जाए, मतलब ग्रेविटेशनल पुल को क्रॉस करती उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाए, तो ग्रेविटेशनल पुल क्रॉस करने का मतलब वहां पर पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो है, काइनेटिक भी क्या है, जीरो है, तो टोटल एनर्जी क्या होगी, जीरो। तो एस्केप बिल्कुल ग्रेविटेशनल पुल को क्रॉस करवाने के लिए टोटल एनर्जी क्या होगी, वहां पर जीरो हो जाएगी। पर अभी आपके पास सैटेलाइट के पास टोटल एनर्जी है कितनी, इतनी एनर्जी है टोटल माइनस gmm/2r+h, तो इतनी और एनर्जी चाहिए होगी ताकि टोटल एनर्जी क्या बन जाए, जीरो। माइनस gmm/2r+h तो ऑलरेडी है ही उसके पास, इतनी और पॉजिटिव दे दो ताकि टोटल एनर्जी जीरो बन जाए, और पॉजिटिव एनर्जी को क्या बोलते हैं,
बाइंडिंग एनर्जी। अभी हम करेंगे इस टॉपिक को डिटेल में अभी, ठीक, जस्ट बता रहा हूं। आप बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला अगर लिखना चाहें, अभी लिखवा दूंगा, रुक जाओ, बस ये कॉन्सेप्ट है। जियो स्टेशनरी सेटेलाइट्स क्या होती हैं? जियो स्टेशनरी सेटेलाइट्स वो सेटेलाइट्स हैं जो कि अर्थ की रोटेशन के साथ साथ मूव करती हैं। अर्थ की रोटेशन वेस्ट से ईस्ट है, जियो स्टेशनरी भी वेस्ट से ईस्ट है। हर कंट्री अपनी जियो स्टेशनरी सेटेलाइट को लॉन्च करता है, और जियो स्टेशनरी में वर्ड स्टेशनरी का मतलब वो सेटेलाइट रेस्ट पे रहती है, हमें लगता है रेस्ट पे रहती है, होती नहीं है। अर्थ की रोटेशन के साथ साथ वो साथ साथ घूमती है, अगर जिस स्पीड से अर्थ घूम रही है वो सेटेलाइट भी ऐसी घूम रही है, तो वो हर कंट्री के ऊपर रेस्ट पे रहती है, रिलेटिव मोशन जीरो हो जाता है। तो हाइट ऑफ जियो स्टेशनरी सेटेलाइट काफी ज्यादा होती है, 36,000 किलोमीटर, 36,000 किलोमीटर पे रखी जाती है, और ये कम्युनिकेशन के अंदर काम आती है, जो रेडियो कम्युनिकेशन, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, टीवी वगैरह देखते हो, सब जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का काम है। और इसकी ऑर्बिट के अंदर घूमने की वेलोसिटी जो होती है वो सिर्फ 3.1 किलोमीटर पर सेकेंड होती है, कम होती है, बहुत बड़ा डिस्टेंस है ना, 3.1 किलोमीटर पर सेकेंड होती है। और टाइम पीरियड इनका 24 आवर्स है, क्योंकि अर्थ की रोटेशन 24 घंटे है, ये साथ साथ घूमती रहती है 24 घंटे हैं, और ये इक्वेटर के आसपास घूमती है, ये पोल्स के आसपास नहीं घूमती, अर्थ इक्वेटोरियल इक्वेटर के आसपास घूमती है 36,000 किलोमीटर पे, ठीक। पोलर सैटेलाइट्स ये पोल्स के आसपास घूमती हैं, नॉर्थ एंड साउथ पोल वो इक्वेटर के आसपास घूमती हैं, ये पोल्स के आसपास घूमती हैं। तो इसमें पोलर सैटेलाइट्स आर लो ऑल्टीट्यूड सैटेलाइट्स, ये सिर्फ 500 से 800 किलोमीटर पे होती हैं, बहुत ही कम है 500-800, तो 36,000 और 500, इसे अंदाजा लगा लो, मैंने आपको 500 रुपये देने हैं और मैंने आपको 36,000 रुपये देने हैं, अब आपको लग रहा होगा कि बहुत हाइट है 36,000 किलोमीटर, तो ये कुछ भी हाइट नहीं है 500 किलोमीटर। दे गो अराउंड द पोल्स ऑफ द अर्थ फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन, और टाइम पीरियड सिर्फ 100 मिनट है, जितनी देर में लेक्चर खत्म होगा उतनी देर में तो अपना चक्कर पूरा भी कराई, नॉर्थ से साउथ पोल खत्म होगी, 100 मिनट ही तो है, सिर्फ एक चक्कर पूरा कर जाएंगे, काफी नजदीक है, ठीक है। पेरिजी अपोजी में बता चुका हूं, पेरिजी सन के नियरेस्ट डिस्टेंस को पेरिजी और सबसे दूर के डिस्टेंस को अपोजी। ये टॉपिक आपको नहीं करना, ये मैथ के टीचर कॉर्नर ज्योमेट्री में नॉन मेडिकल वालों को करवा देंगे, मेडिकल वालों को तो वैसे नहीं करना, सेंट्रिसिटी कुछ करनी नहीं है, ठीक है, यहाँ तक ये टॉपिक क्लियर है।